नमस्कार, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम आर्टिकल विद मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। इट ओनली कैन बी मेजर्ड और वेटेड। इट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। इनका हम खाली वेट ले सकते हैं यानी वजन ले सकते हैं, और इनको हम खाली मेजर कर सकते हैं यानी इनका हम नाप ले सकते हैं। ये पदार्थों, वस्तुओं और धातुओं के नाम होते हैं जिनसे सामान बनता है। जैसे गोल्ड से चेन बनती है, वुड से टेबल बनता है, प्लास्टिक से बकेट बनती है। मटेरियल नाउन हमें नेचर, एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। नेचर से जो हमें मटेरियल नाउन मिलते हैं वो है वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, सैंड एट्सेट्रा। और जो एनिमल्स से मिलते हैं वो है मीट, हनी, मिल्क, वूल, सिल्क एट्सेट्रा। जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं वो है फ्रूट्स, फूड, ऑयल, कॉफी, टी एट्सेट्रा। और जो मटेरियल नाउन मैन मेड होते हैं वो है एसिड, अल्कोहल, सीमेंट, बटर, चीज, क्लॉथ एट्सेट्रा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और सेकंड कंडीशन ये है कि जब स्पेसिफिक मटेरियल नाउन की बात होती है तो आर्टिकल दा का यूज होता है। और अगर मटेरियल नाउन सेम है, किसी सेंटेंस या पैसेज में दूसरी बार आते हैं, यानी सेम मटेरियल नाउन किसी सेंटेंस या पैसेज में दूसरी बार आते हैं तो दूसरी बार में द आर्टिकल का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है, आई बॉट सम बटर, द बटर वॉज बैड। बटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, इसके आगे हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन जब बटर दोबारा आया तो उसके आगे हमें द आर्टिकल का यूज करना है। इस सेंटेंस को मैं अपनी पहली वीडियो में भी दे चुकी हूँ। सेकेंड है, आई लव टू ईट राइस, बट द राइस ऑफ पंजाब इज वेरी गुड। आई लव टू ईट राइस, राइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, इससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट जब राइस आपका सेकेंड टाइम आया तो वहां पर आपको द आर्टिकल का यूज करना है। थर्ड कंडीशन ये होती है कि जब मटेरियल नाउन स्पेसिफिक होता है और उसके बाद प्रेपोजिशन होता है तो द आर्टिकल यूज होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, गोल्ड इज एक्सपेंसिव। यहाँ पर गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर जनरल बात हो रही है इसलिए इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, गोल्ड इज एक्सपेंसिव ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, द गोल्ड इन माय रिंग इज ऑफ 24 कैरेट्स। यहाँ पर एक स्पेसिफिक गोल्ड की बात हो रही है तो यहाँ पर द का यूज होगा, द आर्टिकल लगेगा। और गोल्ड जो आपका मटेरियल नाउन है, इसके बाद प्रेपोजिशन भी लगा हुआ है, इन प्रेपोजिशन है, इसलिए इस गोल्ड से पहले द आर्टिकल का यूज भी होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। यहाँ पर जनरल एयर की बात हो रही है इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, द एयर इन दिस रूम इज नॉट गुड। यहाँ पर स्पेसिफिक एयर की बात हो रही है यानी रूम के एयर की बात हो रही है, और एयर के बाद प्रेपोजिशन इन भी है इसलिए इससे पहले द आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइस प्राइसेस आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर जनरल राइस की बात हो रही है इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है, द राइस ऑफ पंजाब इज वेरी गुड। यहाँ पर स्पेसिफिक राइस की बात हो रही है, पंजाब के राइस की बात हो रही है, इसलिए राइस से पहले द आर्टिकल यूज होगा, और राइस जो आपका मटेरियल नाउन है इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन भी है इसलिए द का यूज
होगा।